ऑलराइट, क्या हाल है भाई लोग। होप आप लोग सब मस्त एंड फर्स्ट क्लास है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अपस्टो का अकाउंट क्लोज कर सकते हो। परमानेंटली आप अपने अकाउंट को डिलीट करा सकते हो या कहो तो आप केवाईसी रिमूव करवा सकते हो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, प्लस आपको कोई भी चार्जेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप अगर चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेल करना है, आपका अकाउंट जो है अपस्टो का डीमैट अकाउंट वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि भाई हम अपना अपस्टो का अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। मैंने अपस्टो का टीम को मेल किया था, उधर से मेरे को क्या रिप्लाई आया आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड कैसे अपना अकाउंट क्लोज करना है वो भी आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। सो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले आप लोगों को अपने यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका यूजर आईडी क्या है अपस्टो का एंड डीमैट अकाउंट क्या है। तो मैं आप लोगों को यहां पे कंफर्मेशन के लिए बता दूं, अपने अपस्टो का अकाउंट में जाके ये देख लीजिए, मैंने अपना अपस्टो का अकाउंट ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहां पे आइकन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये आपका जो यूजर आईडी है ये आपको एक कॉपी करना पड़ेगा, एंड प्लस आप लोगों को माय अकाउंट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका न्यू इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका अकाउंट का पूरा डिटेल रहेगा। तो सिंपल सा आपको यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए डीमैट डिटेल आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां पे थर्ड नंबर पे, आप लोगों इस पे क्लिक करना है। जब नीचे में स्क्रॉल करते हैं ना तो यहां पे देख लीजिए CDSL, उसके नीचे यहां पे डीमैट अकाउंट नंबर, आप लोगों ये टोटल अपना अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है। ये 16 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होता है डीमैट अकाउंट नंबर, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, एंड एक यूजर आईडी। तो इसके थ्रू ये आप अपना अकाउंट क्लोज करा सकते हो। तो सिंपल से ये कॉपी कर लेना है दोनों को दोनों, एंड यहां से आप लोगों को बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको अपने मेल पे जाना है, वही मेल आपको यूज करना है जो आपके डीमैट अकाउंट में रजिस्टर हो। आपके अपस्टो का अकाउंट में जो भी मेल रजिस्टर है उसी मेल को आपको यूज करना है। तो सिंपल से मेल आईडी यहां पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका यहां पे कंपोज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो यहां पे आपका वो मेल यहां पे ओपन हो जाएगा, एंड नीचे में यहां पे टू का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे support@upstock.com आप लोगों को टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहां पे टाइप कर दिया support@upstock.com, आप लोगों को अपना अपस्टॉक को मेल करना पड़ेगा कि हम अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया है जिससे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नहीं तो इससे पहले आप लोगों को टिकट जनरेट करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट होगा, जिसमें काफी लंबा प्रोसेस है। एंड आप इसको मेल करते हो अपस्टॉक टीम को तो सिंपल सा वही आपको टिकट जनरेट करके दे देंगे। एंड यहां पे आप लोगों को क्या क्या मेल करना है वो आपको यहां पे समझ लीजिए, फिर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि मैंने मेल किया था मेरे को टिकट जनरेट हुआ है नहीं हुआ, एंड उधर से क्या रिप्लाई आया, कितने दिन में मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, एंड आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा वो आप यहां पे समझ लीजिए। तो यहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट में लिखना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई अपस्टॉक अकाउंट, एंड यहां पे नीचे में डाल देना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई अपस्टॉक डीमैट अकाउंट बिकॉज आई डोंट हैव एनी बैलेंस फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड नीचे में आपको माई यूजर आईडी एंड यहां पे माई डीमैट अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। जो भी आपका यूजर आईडी होगा वो आगे लिख देना है, एंड डीमैट अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको यहां पे एरो देखने को मिलेगा, सिंपल से एरो पे जैसे आप टैप करोगे ना तो आपका जो मेल है वो उनको सेंड हो जाएगा। मेल सेंड हो जाने के बाद दो घंटे के बाद उधर से रिप्लाई आ जाएगा। यहां पे देख लीजिए मेरे को रिप्लाई आया था, यहां पे मैंने मेल किया था आई वांट टू क्लोज माई अपस्टॉक डीमैट अकाउंट, तो यहां पे पूरा डिटेल मैंने दिया था। उधर से एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें यहां पे बता रखा है कि सीसी आईडी एंड यहां पे आप लोगों को अपना डीमैट अकाउंट यहां पे देना पड़ेगा। मतलब कि सीसी आईडी क्या है, सीसी आईडी आपका यूजर आईडी होता है, एंड डीमैट अकाउंट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया कहां पे देखने को मिलेगा। एंड प्लस यहां पे स्क्रॉल करके आप ये पूरा रीड करना चाहो वो कर सकते हो। यहां पे बता रखा है 8 से 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में भी आप लोगों को एक और मेल रिसीव होगा जिसमें आप लोगों को यहां पे देख लीजिए फर्स्ट ऑन फर्स्ट आपका मेल यहां पे ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहां पे मेरे को एक टिकट आईडी जनरेट कर दिया गया, ये देख लीजिए यहां पे मेरे को ये टिकट आईडी मिल गया है। इसी टिकट आईडी के थ्रू आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड यहां पे जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा इसी टिकट का आईडी के थ्रू ही मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। अदरवाइज आप इनके कस्टमर पे कॉल करके अगर बात करते हो एंड कहते हो कि मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो आपसे टिकट आईडी मांगा जाएगा। तो ये टिकट आईडी दोगे तभी आपका अकाउंट वहां पे चेक कर पाएंगे एंड जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो बता पाएंगे। तो सिंपल सा आप लोगों को करना क्या होगा, मेल करोगे टिकट आईडी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको वहां पे अपना यूजर आईडी एंड प्लस आपका डीमैट अकाउंट साथ में मेल करना है। जैसे आप मेल कर देते हो तो उधर से एक मेल रिसीव हो जाएगा कि 8 से 10 दिन के अंदर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। एंड आपको वहां पे दो मेल रिसीव होगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका जो यहां पे प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है। एंड एक लास्ट मेल आता है जो कंफर्म आपको उसमें बताया जाता है कि आपका मेल डेफिनेटली क्लोज हो चुका है, हमेशा के लिए बंद हो चुका है, आप लोगों को यहां पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका अकाउंट बंद हो जाने के बाद भी यहां पे मेल रिसीव होता रहेगा, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ऑफर के बारे
बारे में, मार्केट के बारे में जानकारी देते रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आपको मेल रिसीव होता ही रहेगा। बाकी अपना अगर अकाउंट आप लॉगिन करके देखोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। होप आप लोग सब कुछ समझ चुके हो कि कैसे हम मेल कर सकते हैं, अपना अकाउंट कैसे हम क्लोज करवा सकते हैं। इसके रिलेटेड में अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।